नमस्कार जोहार, नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूँ। इंग्लिश में एक कोट है कि व्हेन अ वुमन स्टैंड्स अप फॉर हरसेल्फ, शी विदाउट नोइंग और विदाउट इवन क्लेमिंग स्टैंड्स फॉर एवरी वुमन। जिसका मतलब है कि जब एक औरत अपने लिए बोलती है, अपने लिए खड़ी होती है, तो वो चाहे अनचाहे हर औरत के लिए खड़ी होती है, उन सब के लिए जिन्होंने शायद अपने लिए एक शब्द ना कहा हो। अगर मैं ये बोलूँ कि हमारी आज की मेहमान इन बातों को जीवंत करती है तो बिल्कुल भी झूठ नहीं होगा। हमारी आज की मेहमान एक एजुकेशनलिस्ट हैं, एक सोशल वर्कर हैं और एक एंटरप्रेन्योर हैं। इनकी एक संस्थान है जिसका नाम है स्त्रीवन, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के बहुत अच्छा काम कर रही है। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैरी स्टेला माइकल जी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैम, आपकी ये जो संस्थान है स्त्रीवन इंडिया, इसकी शुरुआत किस मोटिवेशन से हुई? क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि लोगों के किसी भी संस्थान को शुरू करने के लिए अपना अपना कुछ पर्सनल स्टोरी होता है, तो आपकी संस्थान की क्या स्टोरी है, क्या मोटिवेशन था इसके पीछे? एज ए वुमन मैंने सब सारी प्रॉब्लम्स जो वुमन फेस करती है, सारा चीज़ हमने पार कर दिया। वेदर इट इज़ चाइल्ड मैरिज, इट इज़ बीइंग ए सिंगल मदर, वेदर इट इज़ अ स्टार्टअप एज एन एंटरप्रेनर, सारा चीज़ हम इसे झेल लिए। लेकिन इस चीज़ के लिए आई थैंक गॉड, क्योंकि अगर मुझे ये सब सीख नहीं मिलती तो मैं आज स्त्रीवन नहीं बना पाती। तो उस दौरान मैंने टेडिक्स पे एक स्पीकर स्पीक किए थे, तो उसमें मैंने अपना स्टोरी बताया जी। तो जैसा मैंने टेडिक्स टॉक ख़त्म किया, देर वेर सो मेनी कॉल्स, इतना कॉल्स मेरे पास आ रहे थे कि मैम मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, एंड देर रेप विक्टिम्स। तो ये रोज़ रोज़ का कॉल्स लेना, और ये इसलिए मैंने एक सेक्शन 8 कंपनी स्टार्ट किया है, एनजीओ है, विच इज़ अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड लुइजा फाउंडेशन, जिसका अंडर में स्त्रीवन इंडिया है। अच्छा, तो इसमें आपको जो महिलाएं हैं वो किसी भी प्रॉब्लम के लिए कॉल कर सकती हैं और आप उनके समाधान करती हैं? हाँ, एनी वुमेन, कोई भी इश्यू, राइट फ्रॉम द फीटस विच इज़ अबॉर्टेड, जो वूम में अबॉर्ट होती है गर्ल चाइल्ड, टिल अबैंडन्ड ओल्ड लेडीज़, इस बीच का जितना भी आते हैं लेडीज़, वर्क प्लेस हैरेसमेंट हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, नॉर्मल हार्मोनल डिसबैलेंस हो, नॉट फीलिंग गुड, नॉट फीलिंग नाइस, ये लोग भी हम लोग को कॉल कर सकते हैं एंड वील ट्राई टू ब्रिंग आउट अ सॉल्यूशन फॉर देम। जी, और आप औरतों की काउंसलिंग भी करती हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के? आपकी जो संस्थान है मैम, इसका प्रोग्राम कौन कौन सा चलते हैं इनका? जैसे कि एक प्रोग्राम था कन्या, जिसमें कि आप गुड टच और बैड टच के बारे में बताते हैं, तो ऐसे और कौन कौन से प्रोग्राम्स चलते हैं इसके अंदर? कन्या का, श्रीवन का अंडर में हम लोग को बहुत सारे विंग्स हैं जी। उसमें कन्या कैंपेन एक वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम लोग को झारखंड आइकन अवार्ड मिला है मुझे। अच्छा, तो पहचान मिला है तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे हम लोग स्कूल्स, कॉलेजेस और वर्क प्लेसेस में जाते हैं जहाँ वुमेन है, वी स्पीक अबाउट गुड टच बैड टच, फिर मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर भी बोलते हैं, एंड फिर करियर ओरिएंटेशन, गर्ल्स किस तरफ शिफ्ट होना, ज़्यादातर लड़की लोग शादी मोटो लेके नहीं चले, करियर मोटो लेके चले, यूपीएससी एग्जाम्स में बैठे, सारा जो जो स्पीयर्स अभी अनटच्ड है वुमेन नहीं है, 50-50% जो होना चाहिए जहाँ वहाँ पर हमको लगता है 20-80% ही है, तो वो 50% को फुलफिल करना, स्पेशली यूपीएस जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑल्सो वुमेन आर वेरी लेस, तो ये हम लोग का मोटो है कि हम लोग और इंकरेज करके वुमेन को आगे लेके आए। मैम, इस काम को करने में अभी तक आपको क्या क्या चैलेंजेस देखने के लिए मिले हैं, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी? सी, विंग्स हम लोग का बहुत सारे हैं। लीगल विंग एक अलग है हम लोग का, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं जो वुमेन, उनको काउंसिल करते हैं, एंड इफ नीडेड देन वी गो फॉर लीगल हेल्प, कि उन लोगों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं। देन देर इज़ एंटरप्रेन्योरी एक विंग है, जिसमें हम लोग लेडीज़ जो मैन्युफैक्चर कोई प्रोडक्ट करते हैं उसको हैंड होल्ड, उनको हैंड होल्ड करते हैं टिल द एंड रिजल्ट, इधर इट इज़ लॉजिस्टिक कॉम्प्लियंसेस हो, मार्केटिंग हो, पैकिंग हो, कुछ भी हो, एंड उसके बावजूद हम लोग एक यूनिट्स भी कर देते हैं, जैसे दम और दम इज़ आर फूड यूनिट, क्लाउड किचन, जहाँ पर वुमेन इन्वॉल्व है एंड दे सप्लाई फूड वेर एवर पॉसिबल। फिर हैंडीक्राफ्ट है, वुमेन मैंने वहाँ हैंडीक्राफ्ट सीखते हैं एंड देन वी डू द मार्केटिंग एंड सेल आउट द प्रोडक्ट्स। फिर मसालाज है, फिर अभी हम लोग स्टिचिंग यूनिट एक खोलने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ फुलफिल करने में क्या होता है कि फंडिंग इज़ अ वेरी बिग इश्यू, क्योंकि अभी तक जितना मेरे से हो पाए हमने सब कुछ लगाया है जी। जो हम कमाए
एवरीथिंग, हम बोल नहीं पाते कि एवरीथिंग आई हैव पुट. पीपल थिंक हाउ क्रेजी दिस वुमन इज, बट आई वॉन्ट दैट एवरी वुमन शुड स्टैंड एंड बी इंडिपेंडेंट, और कोई ऐसा फेस प्रॉब्लम फेस ना करे और ऐसा ना सोचे कि उनके लिए कोई नहीं है, हमेशा स्त्रीवान उनके लिए है. जी मैम, आपको अभी तक क्या क्या हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हुई है, और क्या क्या आप चाहती हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से और सपोर्ट ये मिलना चाहिए? अभी तक गवर्नमेंट से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली है. जी सो आई हैव, उस समय मैं चक्रधरपुर एरिया में काम कर रही थी, आई हैड अप्रोच्ड द गवर्नमेंट बट इट वॉज नथिंग डन. अच्छा. लेकिन हेल्प अगर कोई किए तो मैंने जितना मेरे से हुआ, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं एंड को एनजीओज जो है, इवन टुडे अगर है तो कुछ अच्छे लोग जो हम लोगों का काम को पहचानते हैं वो लोग आगे आते हैं, बट स्टिल वी ट्राई टू डू इट एंड समहाउ मेक इट. गॉड इज़ द प्रोवाइडर. जी मैम, जिस मोटिव के साथ इस संस्थान की शुरुआत हुई थी, अभी तक इतने सालों तक काम करने के बाद कब आपको ऐसा लगा कि जिस मकसद से इसकी शुरुआत हुई वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है? कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जब औरतों ने आपको जब सराहा हो तो लगा हो कि चलो यही करना था और ये फाइनली हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग बोलते कि मैम आप हम लोग का इंस्पिरेशन है. जी लेकिन मैं बोलती हूँ कि मेरा लाइफ और मेरे जैसे ये करना, इट इज़ वेरी टफ, सो आई डोंट डिजर्व दैट एनीबडी कम इन माय प्लेस और मेरा जैसे बने. बट एवरी वुमन शुड प्रॉस्पर एंड डू, मैंने कुछ ना कुछ करे जो अपना तकलीफ छिपा के ना रखे. जी ये चीज़ हम चाहते हैं, एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउडेज. जी मैम, आप एक मदर भी हैं, आपके 3 बच्चे हैं, इसके अलावा आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, सोशल वर्कर हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, तो ये सब कुछ कैसे मैनेज होता है? आई वो भगवान का देन है जो चलता है, एंड आई हैव माई फैमिली, माई हस्बैंड एंड माई चिल्ड्रन एंड माई सिस्टर एंड माई टीम विच इज़ अ लीगल टीम का हेड जो है प्राची नारायण है. तो ये लोग हमेशा मेरा सपोर्ट में है बिकॉज दे वर्क विथ मी 24/7. जी मेरे बच्चे बहुत बड़े हैं, लाइक बेटी मेरी 22 साल की है, बेटा मेरा 18 साल का है. जी तो डिजिटल क्रिएशन हो, हैंडीक्राफ्ट हो, माई सिस्टर अ कंटेंट राइटर सो शी हेल्प्स अस विद दैट, एंड मेरा हस्बैंड है जो स्कूल और ये सब चीज़ देख लेते हैं, माई सिस्टर ऑल्सो स्कूल देखती है. तो कहीं ना कहीं हम लोग सब टीम एक है, इट इज़ नॉट मी, हम अकेले ये चीज़ का हकदार नहीं है. ये लोग सारा है, दे आर द पिलर्स ऑफ माई अचीवमेंट और वॉट एवर आई हैव डन. चला जी, आप इस फील्ड में इतने सालों से काम कर रही हैं, अगर हम झारखंड में औरतों की स्थिति की बात करें, खास करके एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि जब हम बात करते हैं औरतों को वर्कप्लेस में लाने के लिए तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. प्राइमरी एजुकेशन तो फिर भी मिल जाता है बट हायर एजुकेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो झारखंड में आप औरतों की क्या स्थिति देखते हैं एजुकेशन को लेकर के? सरस्वती माँ है तो लेडीज़ को एजुकेशन जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो चीज़ जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है इंडिया में, कि आई एम बहुत खुशी होती है जब लेडीज़ आगे बढ़ के पढ़ते हैं और अचीव करते हैं. एंड गवर्नमेंट ऑफ झारखंड आई थिंक ये जो बच्चों को बाहर भेजे हैं अभी, आई थिंक 15 स्कॉलरशिप दे के, दैट वाज अ वेरी गुड मूव बाय द गवर्नमेंट. और भी स्कीम्स आना चाहिए एडुकेशन. बहुत सारे पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स, मदर्स आते हैं हम लोग के पास जो फीस पे नहीं कर सकते बिकॉज फीस इतना हाई हो चुका है, एंड हर जगह इट इज़ लाइक गेटिंग एन एडमिशन इज़ नॉट दैट ईजी. कली स्कीम्स आ गया है और अचीवमेंट हो गया है, टू गेट अ नॉर्मल लड़की मिडिल क्लास फैमिली से एक कॉलेज में एडमिशन लेना, वन स्टोरी हम बताएंगे, इट इज़ नॉट ईजी. जी शी गोज थ्रू ईव टीजिंग, कॉलेज में एडमिशन लेते समय प्रॉब्लम्स है मैनेजमेंट का तरफ से, ये सब छोटा छोटा चीज़ बाहर आती नहीं है, बट इट इज़ बट वो ये सब बहुत टफ है. मैम, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो आपकी पर्सनल जर्नी जो एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, आपने किस चीज़ की बिजनेस स्टार्ट की, क्या आपका स्टार्टअप था और कैसे उसकी शुरुआत हुई, उस बारे में जानना चाहेंगे? आई एम अ डॉटर ऑफ 2 टीचर्स. अच्छा. तो और आई एम ब्रॉट अप बाय द नंस, स्कूलिंग एजुकेशन इज़ एज ऑलवेज सेड, एजुकेशन मेरा ब्लड में है ही. तो 2000 में जब मैं झारखंड आई तो मैंने सोचा कि मेरे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे. Then I came to Chakradharpur. There was only one school, that was Kendri Vidyalay, and one railway school. So and I seen the standards were very low because south se hum hai and good education I have got. So isiliye wahan se maine 2006 mein school start kiya. It was a small place school.
बट वो ग्रो होते होते आज वो हाई स्कूल तक आ गया है. वी हैव टू प्रेसिडेंट अवॉर्डीज चिल्ड्रन ऑल्सो फ्रॉम आर स्कूल. अच्छा. तो एंड स्टैंडर्ड्स जो हम लोग ने वहाँ तय किए हैं, यू शुड मैंने एक बार आपको विजिट करना चाहिए हम लोग स्कूल, और बच्चों लोग का टैलेंट देखना चाहिए कि हम लोग एक्टिविटी बेस्ड और अभी जो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं टीचर्स को कि एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कैसे करना है ये सब, बिकॉज आई एम इंटरनेशनली ट्रेंड इन टीचिंग मेथोडोलॉजीज. तो वो उस समय में ही हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया एट द रेट ऑफ 150 पर मंथ. ये स्कूल को मैंने स्टार्ट किया, 10 ईयर्स मैंने 150 पे चलाया. देन आफ्टर दैट फिर ये हुआ कि आरटी एक्ट आया, फिर अपना स्कूल, अपना बिल्डिंग, अपना ज़मीन होना चाहिए, ऑल दीज नॉर्म्स. मैंने मुझे कहना है एक चीज़ कि स्कूल को अगर आपको तुलना करना है टीचर का एक्सप्लेनेशन का क्वालिटी देखिए, स्टैंडर्ड्स देखिए, बिल्डिंग और ये सब चीज़ का वैल्यू से स्कूल नहीं बनता जी. जस्ट चेक आउट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्कूल एंड देन यू स्पीक वेदर ये स्कूल रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए. गवर्नमेंट को वो चीज़ देखना चाहिए, तब देखें कि ये स्कूल झारखंड में रहना है कि नहीं रहना है. एक बार स्टैंडर्ड्स चेक किया जाए. मैम अगर आपके स्टार्टअप जर्नी की बात करें तो आपका जो स्टार्टअप है ग्रीन इंडियन टी, ये कैसे स्टार्ट हुआ था? ये कस्टमाइज्ड वैरायटीज़ ऑफ टी है, उसमें हम आई एम अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी. इट्स एक्चुअली माय हस्बैंड्स बट ही इज़ थिंग ही हैज़ डन हिज ट्रेनिंग इन टेस्टिंग एंड ब्लेंडिंग. तो उसमें 25 वैरायटीज़ ऑफ टी है. दिस वाज डन ड्यूरिंग कोविड जी. कोविड का समय में ये आया क्योंकि उसमें बहुत सारा मेडिकल हेल्थ बेनिफिट्स है, और ग्रीन टी, ब्लैक टी, अर्ल ग्रे, कैमोमाइल, as per the wish of the customer we may prepare it and we give it. and the normal tea which is there also, it is also माने उसका टेस्ट बहुत हाई क्वालिटी का है जी. आपकी जब हम संस्थान की बात करते हैं स्त्रीवन की, क्योंकि ये औरतों के लिए काम करती है, चाहे वो उनके डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के हो या किसी भी तरीके के उत्पीड़न को लेकर के हो, आपका जो पर्सनल जर्नी रहा है मैम, वहाँ पे आपने चाइल्ड मैरिज भी देखा है, डोमेस्टिक वायलेंस भी देखा है, और आपने डिवोर्स भी देखा है. तो मैम कहीं ना कहीं आपका जो पर्सनल जर्नी है इस चीज़ को इंस्पायर करता है. जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ये औरत और मर्द के बीच की बात है, ये हस्बैंड वाइफ की बात है, तो ये तो इशू ही नहीं है. ऐसे में आप जब एक डोमेस्टिक वायलेंस की खुद विक्टिम रही थी और आज आप लोगों को काउंसलिंग दे रही हैं इसको लेकर के, साथ ही साथ आप लोगों को हर तरीके के असिस्टेंट प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो FIR लॉन्च करना हो डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के, या फिर उनके साथ कोर्ट जाना हो, लीगल हेल्प प्रोवाइड करना हो, तो मैं ये जानना चाहूँगी मैम कि ये जो ट्रांजिशन आया एक विक्टिम से आज इतने लोगों की हेल्प करने का, ये ट्रांजिशन कैसे आया? मैं दूसरी स्टेट से झारखंड आई 2000 में जी. तो मेरे लिए लैंग्वेज वॉज अ बिग बैरियर. हिंदी तो मैंने अभी अभी मैंने अभी अभी नहीं उसका बाद सीखा, 2-3 ईयर्स लगा मेरे हिंदी बोलने में जी. उसका बाद फिर ओपन अप होने में, और मीन्स एज जो मेरा था इट वॉज ओनली 17.5 ईयर्स की हम मेरा शादी हो गया जी. था 24 ईयर्स तक मैं अलग ही ये में रहती थी. 24 ईयर्स में मेरे को ये समझ में आया कि ये गलत हो रहा है. अच्छा. देन उसका बाद थाना जाना इट इज़ नॉट सो ईजी. कोई भी लेडी को ईजी नहीं है कि थाना ऐसी चल जाए वैसी बोल दे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर ही ऐसा बना देते लोग कि पुलिस स्टेशन जाना मतलब गलत है. देन कोर्ट, मैंने कोर्ट अकेला, मेरे मम्मी पापा भी नहीं थे उस समय, ना भाई बहन थे, रिलेटिव्स फ्रेंड्स सब लोगों ने मुँह मोड़ लिया. एक इकलौती एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ जाती थी और मेरे साथ आती थी. तो वहाँ जाके फर्स्ट टाइम फेस करना इट वॉज़ वेरी टफ. तो मैं समझ सकती हूँ कि कैसा होता है. और मैं देखती हूँ जो लेडीज़ डिवोर्स के लिए अप्लाई करती है और कोर्ट में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है जी, इट इज़ नॉट इजी. मैं बैठती हूँ कोर्ट में, इवन मेरा हियरिंग होने के बाद भी मैं बैठती थी ताकि मैं देखने के लिए कि दूसरा औरतें किस ट्रॉमा से गुजर रही है, वो क्वेश्चंस का आंसर जवाब देने में जी. तो इट इज़ वेरी टफ. एंड वो भी बात है कि एक बहुत बड़ी बात मुझे समझ में आई उस समय की, कोर्ट केस करने का बाद मेंटेनेंस मिलते तक ये जो प्रोसीजर और टाइम और तारीख जो मिलता है, जो बार बार बोला जाता है इट इज़ नॉट जस्ट अ डायलॉग, बट उस समय में सर्वाइव करने के लिए एक लेडी के लिए बहुत टफ होती है जी. इट इज़ नॉट सो इजी एंड विद चिल्ड्रन इट इज़ और भी टफ होती है जी. तो मैं समझ सकती हूँ कि हर लेडी जो सिंगल है और क्यों या स्टेप ऐसी कोई शादी से उठ के आना, इट इज़ नॉट सो ईजी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग काउंसिल करते कि सब मिलके रहे, दोनों मिलके रहे, कितना पूरा कोशिश करते हैं काउंसिल करते दोनों को कि अच्छा से रहे मिलके रहे. बट अगर नहीं हो पाता है, हद पार जब हो जाता है, वायलेंस ज़्यादा हो जाता है, देन वी
हेल्प देम आउट टू गेट देयर डिवोर्स और व्हाटएवर इट इज. जी मैम, आप बता रही थी कि स्त्रीवन का एक विंग है एंटरप्रेन्योरी, तो मैम ये जो है ये कैसे काम करता है? और तो कोई अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए किस तरीके से मदद प्रोवाइड करता है? आप लोग क्या स्किल ट्रेनिंग देते हैं, कैंपेन्स चलाते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं आप ये हेल्प? हम लोग ट्रेनिंग्स भी देते हैं और हैंड होल्डिंग, जैसा हमने बोला, पूरा हैंड होल्डिंग करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स देखते हैं, सबसे पहले पैकिंग होता है या कैसे वो लोग कर रहे, क्या कर रहे, दैट वी डू एंड अप्लाई फॉर MSME लोन्स अगर हो पाए तो. लेकिन MSME लोन्स भी आज के डेट में विदाउट कोलेटरल आती नहीं है जी, तो इट इज़ टफ. MSME लोन्स क्या होते हैं मैम? MSME लोन्स की स्मॉल जो इन बिजनेस स्टार्ट करें उनके लिए गवर्नमेंट लोन्स देती है. अच्छा, तो गवर्नमेंट तो बोलती है कि कोलेटरल फ्री है, लेकिन कोलेटरल तो होती नहीं है और एक लोन मिलने में बड़ी टफ अच्छा जॉब है. सो हर लेडी को बैंक जाके क्या करना समझ में नहीं आता है. और अगर कोई मैन्युफैक्चर भी करती है, कोई प्रोडक्ट भी सेल करना है, जो जो जेम पोर्टल जो बना है वो भी कोई इजी चीज़ नहीं है. आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हटाएं एंड नॉर्मल जो लेडी घर पे कुछ मैन्युफैक्चर करके सारा कॉम्प्लियंसेस भर के सारा GST लेके सब चीज़ करके उसको अपलोड करके, इट इज़ वेरी टफ. मेक इट सिंपल कि लेडीज़ के लिए ये हो. दैट इज़ वाई हम लोग वी आर कमिंग अप विथ स्त्रीवन इंडिया आउटलेट इन एवरी सिटी इन इंडिया. वी आर रिक्वेस्टिंग द CM एंड इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट कि जो भी लेडीज मैन्युफैक्चर कुछ भी करते हैं, कॉम्प्लियंसेस हम लोग भर के वी हैव एन आउटलेट कि हम लोग वहाँ जाके बेच सकते. जैसे काता सारीज है, हम लोग यूनिट में लेडीज बनाती है, पिकल्स है, अचार है, पापड़ है, मसालाज है, हैंडीक्राफ्ट से सारा चीज़ एक जगह हो कि लोग ओरिजिनल प्रोडक्ट्स को आके खरीदें, होममेड, ऑर्गेनिक, ये सब प्रोडक्ट्स. एंड इवन एग्रीकल्चर में भी हम लोग है, जैसा हम लोग हाइड्रोपोनिक्स का थ्रू ट्रेनिंग्स देते हैं लेडीज़ को कि वो घर पे ही अपना वेजिटेबल्स ग्रो कर सकें विदाउट एनी सॉइल बाय हाइड्रोपोनिक मेथड. एंड फॉडर जो एनिमल्स के लिए चाहिए ये भी हम लोग कर रहे हैं. तो एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन वन आउटलेट. तो ये रिक्वेस्ट है कि लेडीज़ के लिए ईजी हो जाएगी. जी मैम, जब हम औरतों के काम करने की बात करते हैं, जब आप उनको बोलते हैं कि घर से बाहर निकल के काम करना है, तो वुमेन की सेफ्टी की भी बात आती है. अगर हम सेफ्टी की बात करें तो चाहे वो निर्भया केस हो, उसके बाद भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं. स्पीडी ट्रायल हो गया हो, चाहे वो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान हो, जिसमें कि सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के वर्क प्लेस पर बहुत सारे चेंजेस आए. तो इतने चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं, पर अब आप, क्योंकि आपका एक लीगल फील्ड, लीगल टीम भी है जो कि काम करती है स्त्रीवन में, तो आपको क्या लगता है कि और कौन कौन से चेंजेस की ज़रूरत है ताकि जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो इंश्योर कर सकें हम औरतों की? रूल्स तो बहुत सारी बनती है मैम, बट इम्प्लीमेंट कहाँ तक होती है और कितना फ़ायदा हो रहा है लेडीज़ को, इसका सर्वे होना चाहिए. जी, और इमीडिएट एक्शन, यदि रेप केस हो या डिवोर्स हो या कुछ भी वुमेन रिलेटेड, इमीडिएट एक्शन अगर मिलता है, इमीडिएट अगर हेल्प मिलता है तो दैट विल बी गुड. एक हेल्प डेस्क होना चाहिए. जैसे कि कल परसों दो बच्चे किडनैप हुए थे झारखंड से. अच्छा, इट इज़ नॉट कोई और, अपना मदर फादर का डिवोर्स का केस में फादर किडनैप करके ले गए बच्चों को. जस्ट इमेजिन द कंडीशन ऑफ दैट मदर. जी, देर वॉज नो इमीडिएट हेल्प. पुलिस बोलने से एक जगह FIR लिखे नहीं, एक जगह बोला आप दूसरा स्टेट से आए तो हम हेल्प नहीं कर पाएंगे. तो इमीडिएट हेल्प तो उन्होंने स्त्रीवन इंडिया को हेल्प मांगा, तो हम लोग जितना असिस्टेंस दे सके हम लोग दिए हैं. बट ये इमीडिएट हेल्प कहाँ से मिलेगा? कोर्ट केस तो 2 साल होता है मैम, 1 साल होता है जी. तो ये इमीडिएट कल का खाना और परसों का खाना कहाँ से खाएं? लेडीज क्या काम करें जी? और बाहर काम करने जाने तो एडुकेटेड लेडीज होना चाहिए. काम सीखने में टाइम लगता है. इतना दिन तो पापा का परी होते हैं, फिर उसके बाद हस्बैंड का रानी होती है, फिर अचानक से वायलेंस में आ जाते हैं, तो तब क्या करें? काम तो आता नहीं जी, सीखे नहीं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एडुकेटेड हो और एक स्किल को डेवलप करके सीख के रखे, एंड आफ्टर दैट यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट. मैम, आपकी जो संस्थान है उसका विजन क्या है कि क्या अचीव कर लेना है आने वाले सालों में? मेरा विजन एज स्त्रीवन इंडिया का फाउंडर कि मैं चाहती हूँ कि सारा स्पीयर्स को वुमेन ओवरटेक करे जी, एंड देर शुड बी एवरी, माने हर एक स्पीयर में, हर एक फील्ड में वुमेन शुड लीड. वी आर ये नहीं बोल रहे कि मेन को हम लोग आगे, मेन से आगे बढ़ जाएंगे, साथ साथ चलेंगे. इक्वलिटी, वी आर द सेम, सारा चीज़ सेम है. दिमाग भी वही है, दिल भी वही है,
एवरीथिंग इज सेम. तो हम चाहते हैं कि हर एक वुमेन इंडिपेंडेंट हो और नो वुमेन शुड बी लुक डाउन और क्या बोलते हैं, शी शुड नॉट बी रोमिंग अराउंड सीकिंग फॉर हेल्प, कहीं इधर उधर भटक भटक के मदद नहीं मांगे. जी हर किसी को पता होना चाहिए हाँ ये है. एक एक लेडी अगर दूसरा लेडी का हेल्प करे तो इससे हम लोग को अचीव हो सकता है. द यूनिटी ऑफ वुमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जी मैम, आप बात करी थी वुमेन इक्वालिटी के बारे में और आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करते वक्त मैंने ये बात पता करी थी कि आप जब ये हॉस्टल में थी तब आपके फादर आपको लेटर लिखा करते थे और वो आपको मेंशन करते थे कि माय डियर सन करके. और आपको ये बात बहुत ख़राब लगती थी कि मुझे सन क्यों बोल रहे हैं, जब मैं डॉटर हूँ तो मुझे डॉटर लिखें. तो मैम, तब से लेकर के अब तक क्या जब वो सन कहना आपको एक तरीके से अच्छा फील कराने के लिए कहा जाता था कि तुम्हें सन जितना इज्जत दे रहे हैं, तो वो इक्वालिटी की बात तब से लेकर के अब तक क्या सच में इक्वालिटी आ गई है या फिर ये सिर्फ कहने और सुनने की बात ही है? पावर्स तो बहुत सारा, राइट्स तो बहुत सारा है, लॉयर्स तो बहुत सारा है. वो सन इसलिए बोलते थे क्योंकि उनका बेटा गुजर गया. आफ्टर मी आई हैड अ ब्रदर जो गुजर गया, तो मुझे बेटा जैसा ही पाले, जिसका वजह से मैं किसी चीज़ से डरती नहीं हूँ. जी एंड बट फैमिली डरती है कि तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो, तुम वो कर रही हो, लेकिन मैं नहीं डरती हूँ. अगर नाउ इवन आई अनदर 10 ईयर्स, नेक्स्ट 10 ईयर्स ऑफ माई लाइफ मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है तो वो कंट्री के लिए है. जी आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग. तो ये मेरा जो हिम्मत है वो एक शब्द से ही आया. अच्छा. क्योंकि मुझे बेटा जैसा ही पाला गया था. इवन व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस, लोग अगल बगल लोग बोलते थे मेरे मम्मी पापा को फ़ोन करके कि ये चीज़ हो रहा है. जी तो मेरी मम्मी एक ही बात बोलती थी, शी कैन फाइट हर ओन बैटल. तो यहाँ अभी इक्वालिटी अगर आप बोल रहे हो तो नहीं अभी तक, अभी भी 20-25%. जिस दिन हम लोग अकेले हस्बैंड्स और पापा लोग ये बोले हाँ बेटा जा, क्या कुछ नहीं होगा, यू कैन गो, ईजिली बोले हाँ तुम जाओ, पार्टी है ना चले जाओ. जी हाँ बेटा ठीक से जाओ, अच्छे से जाओ, संभाल के जाओ, किसी से बात मत करो, किसी से बात मत करो, उससे उसको देख के चलो कैसा आदमी लोग रहेगा, इतना सारा क्वेश्चंस का बाद अगर हम लोग घर से बाहर निकले मतलब इट इज़ नॉट सेफ. जी मैम, आप एक सोशल वर्कर भी हैं और एक एजुकेशनलिस्ट भी हैं, और अगर आपके एजुकेशनलिस्ट होने पर अगर हम चर्चा करें तो आपने स्कूल तो खोला ही है बट आपने डिजेबल्ड बच्चों के लिए भी स्कूल खोला है. अगर हम जानना चाहें कि नॉर्मल स्कूल और डिजेबल्ड स्कूल में क्या डिफरेंसेस होते हैं? नॉर्मल स्कूल, मेरा जितना एक्सपीरियंस था, जितना ट्रेनिंग था, उसका हिसाब से मैंने नॉर्मल स्कूल खोला था. लेकिन उस समय में मैंने जब इंटरव्यूज़ लेते थे जी बच्चों का, तो देर वेर चिल्ड्रन, स्पेशल चिल्ड्रन ऑल्सो, तब मैंने देखा कि एक पेरेंट्स में एक उदासी रहती थी कि ये बच्चे नॉर्मल क्लासेस में नहीं जा सकते थे. जी तो हमारे स्कूल में ही एक अलग क्लास हम ये किए थे फॉर दिव्यांग बच्चे लोग, दिव्यांग बच्चे लोगों के लिए. तो मेरे पास 25 बच्चे थे एंड उनको मैं जो स्कूल से मिलता था, फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री स्कूल, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री बुक्स. जी तो उनको घर से पिकअप करके घर से ड्रॉप करते तक वो हम लोगों का जिम्मेदारी रहता था, बिकॉज पेरेंट्स समवेयर नेग्लेक्ट ऐसा बच्चों को. तो इसीलिए हम लोग पिकअप करते थे एवरी डे. तो वो क्लास आप अगर घुसते थे ना, वो दिल खुश हो जाता था. द सिंगिंग एंड डांसिंग, कुछ बच्चे बोलते नहीं थे यहाँ के, दे इज टू स्पेंड, एंड इवन पेरेंट्स हैप्पी कुछ कुछ रहते थे कि मेरे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं. जी सो वॉट एवर दे इज टू डू, गार्डनिंग, सिंगिंग, डांसिंग. लेकिन कोविड में मेरे पास फंड्स नहीं थे जिसका चलते मैं बंद की, वो मुझे बहुत दुख होते हैं उस चीज़ के लिए. मैम, महिला सशक्तिकरण को लेकर के या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के आज अगर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप कोई मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? मैसेज यही है कि डोंट गिव अप. कॉर्पोरेट्स में बहुत सारे गर्ल्स आर जॉइनिंग. जी आई थिंक यू शुड बिकम एन एंटरप्रेन्योर, स्टार्ट अप योर ओन बिजनेसेस, ब्रिंग आपका टैलेंट को ऊपर लेके आए. जरूर आपके अंदर में टैलेंट रहेगा बिकॉज एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. And so develop the talent and there are people, we are, हम लोग हैं encourage करने के लिए. If you need any of the help from Srivan India, we are always there for any kind of thing. मैम, Srivan India को लोग contact कैसे कर सकते हैं? Instagram पे हम लोग है Srivan India and even on Facebook है Srivan India. My number is there, I can share my number here also, 8709198389. जी मैम, आप सोशल वर्क को कैसे देखते हैं? क्योंकि सोशल वर्क को बहुत लोग जो आजकल है अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि NGOs खोल देते हैं और उसके फंडिंग का गलत इस्तेमाल होता है. आप इसको कैसे देखते हैं? प्रोजेक्ट क्या होता है मुझे आज तक नहीं पता है मैम. जी
मैंने सोशल वर्क किया तो सोशल वर्क, आई एम नॉट अ सोशल एंटरप्रेनर, आई एम अ सोशल वर्कर. अगर मुझे प्रोजेक्ट मिला है कैंसर का तो मैं टीबी का पेशेंट को नहीं उठाऊंगी. अगर मुझे प्रोजेक्ट मिला है वुमेन का तो मैं चाइल्ड का हेल्प नहीं करूंगी. दिस इज़ नॉट सोशल वर्क. जी, सोशल वर्क वो होता है कि आप एक इंसान, एक जिंदा इंसान जो भगवान का काम धरती पे कर रहे हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड ए सोशल वर्क. अगर रोड में भी इंसान गिर जाते तो आपको उठाना आपका जिम्मेदारी बनता है. तो मैं अगर नहीं सोशल वर्क करती हूँ तो मैं डिप्रेशन में चल जाती हूँ. जी, सो दैट दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोशल एंटरप्रेनर एंड सोशल वर्कर. जी, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का. एग्जाम्पल कहना बहुत ईजी होता है बट बनना बहुत मुश्किल होता है. औरतों को लेकर के आप जो काम कर रही हैं बहुत ही सराहनीय है. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. इसी तरीके से हर हफ्ते हम ऐसे ही मेहमानों को लेकर के आते हैं जो सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सेक्टर में किसी न किसी तरीके से बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे हमारी आज की मेहमान महिला सशक्तिकरण को लेकर के बहुत अच्छा काम कर रही हैं. आज के कार्यक्रम में बस इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको नई दिशाएँ की अगली कड़ी में. तब तक के लिए जोहार.